जिला कौंसल फैसलाबाद पहुंचे। चेयरमैन ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन फैसलाबाद मोहम्मद असगर मिर्जा के दफ्तर आए ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल सुने और उनके हल के लिए हदायत दी। यहाँ पर ओवरसीज तो पाकिस्तानियों के हवाले से मौजूदा हुकूमत ने बहुत सारे काम किए हैं। स्पेशली आप देखें रेमिटेंस के ऊपर हमें स्पेशल एक कार्ड जारी किया जा रहा है जिसके ऊपर हमें टैक्स के जुमरे में 1 लाख से 4 लाख रुपए तक हमें वो कार्ड दिए जा रहे हैं। और ये फर्स्ट टाइम हुआ है और स्पेशली क्योंकि मेरा तल्लुक फैसलाबाद से है और फैसलाबाद के हवाले से ख्याल अहमद कासरों साहब हमेशा ओवरसीज तक पाकिस्तानियों के लिए वेल विशर हैं, उनके लिए काम करते हैं, इनके दरवाजे खुले हैं। कासरू भाई और खान साहब की जितनी भी पॉलिसियाँ हैं हमें बड़ी पसंद आई हैं। पहले कभी ऐसे नहीं होता, कोई हमारी बात नहीं सुनता था। माशाल्लाह हर चीज़ आहिस्ता आहिस्ता सेट हो रही है। मैं भी USA से आया हूँ, बैठा हूँ लुधियाना और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे काम जो प्रॉपर्टी का झगड़ा था क्या था? जी जी प्रॉपर्टी का झगड़ा था तो फिर वो उनके थ्रू हल हो गया फौरन। तो पहले बड़ी देर से ट्राई कर रहे थे, वो नहीं हो रहा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी जब से इमरान खान साहब की हुकूमत आई है तो हम लोग हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, फौरन हल हो गया। जिला कौंसल के अहाते में शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह किया। जनरल बस स्टैंड फैसलाबाद में बनाई गई पनागा पहुंचे। एसी सदर उमर मकबूल ने इस्तकबाल किया। दोपहर का खाना मुस्तहकीम के हमराह खाया। पनागाह का दौरा किया। जनरल बस स्टैंड फैसलाबाद में बनाए गए वैक्सीन सेंटर का दौरा करने पहुंचे। आपका जरिया आमदन क्या है? सियासत तो बड़े पैसे मांगती है। मेरी पेपर की इंडस्ट्री है, स्टॉप बोर्ड, अहमद स्टॉप बोर्ड उसका नाम है। मेरी 2 इंडस्ट्री है पेपर की, तो उससे चलाते हैं और बाकी थोड़ी बहुत जमीन है तो उससे गुजारा चलता है। सियासत पर पैसे तो काफी खर्च होते हैं। काफी होते हैं और हम सियासत में पैसे के खिलाफ हैं कि सियासत में पैसा लगाया जाए, लेकिन जो पैसे होते हैं मेरे पे तो मेरे दोस्त मेरे भाई, मुझे तो खर्चने की कभी जरूरत भी पेश नहीं आई। वो मेरे दोस्त और मेरे भाई वगैरह ही खर्च करते हैं। शादी नहीं की, इश्क तो किया होगा, मोहब्बत तो की होगी। मैंने इश्क किया है, मोहब्बत भी की है। वो मैंने इश्क अपने बहन भाइयों से किया है, अपने दोस्तों से किया है, अपने काम से किया है और मैंने वो इश्क इमरान खान से किया है। नॉर्मल इंसान हो तो उसे कोई ना कोई लड़की तो पसंद आ जाती है, आपको कोई पसंद नहीं है? नहीं, मुझे ऐसा इश्क नहीं हुआ। लड़कियां तो सारी अच्छी हैं और अच्छी होती हैं, लेकिन मुझे ऐसा इश्क नहीं हुआ कभी। इश्क मोहब्बत का जज्बा ही पैदा नहीं हुआ या आपने उसे सुला के मार दिया? मैंने उसे सुला के मार दिया। क्यों, कोई दुख था? कोई दुख नहीं था। मैं अपने अक्सर दोस्तों को देखता हूँ जब उनकी बीवियाँ उनको पीछे से फोन कर रही होती हैं कि वापस घर आ जाओ, घर आपका इंतजार हो रहा है। मैं इस बात से डर के भाग गया कि मुझे ना बार बार फोन करके बुलाना शुरू कर दिया गया। आल पाकिस्तान टेक्सटाइल प्रोसेसिंग मिल्स एसोसिएशन के दफ्तर आए। चेयरमैन एप्टमा शेख शाहिद ने इस्तकबाल किया। मीटिंग हॉल में आए। मीटिंग हॉल में अपने दोस्त और कारोबारी शख्सियात के साथ मुलाकात की। कासरों साहब वजीर बने तो फैसलाबाद में हर एक फैसलाबाद के कारोबारी शख्सियत ने, स्पेशली हमारी एसोसिएशन ने और भी जितने लोग इतनी बैगलिंग की कि एक इनके खिलाफ भी लोग शुरू हो गए, क्या ये कश्मीर फतह करते हैं, ये इनकी चाहत थी। बहुत दफा ऐसा हुआ कि हमें लोग काम करते हैं, हम इनको कहते हैं और हम भूल जाते हैं, लेकिन 2 दिन बाद इनकी कॉल आती है यार आपका काम था।
सिर्फ फोटो बनाई। चनाब क्लब पहुंचे, उनके दोस्त अजहर ने उनके एजाज में पुरतकल्लफ हाई टी का एहतमाम किया हुआ था। करीबी दोस्त मौजूद थे, दोस्तों की महफिल में खूब खुशकपियां लगाई। Thank you.